दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। खबर काफ़ी बुरी है, रेलवे की परीक्षा में हो सकती है देरी। दोस्तों अगर आप लोग वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं, चाहे रेलवे की हो या यूपी पुलिस की, तो आप लोगों को हमारे वीडियो के जरिए तैयारी कराई जाएगी। इसलिए आप लोगों को नीचे रेड कलर का बटन होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। चलिए आप सीधे खबर की तरफ आते हैं। ये खबर हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की तरफ से आ रही है कि रेलवे परीक्षा में हो सकती है देरी, आवेदनों की छटाई में छूटे अधिकारियों के पसीने, यानी कि आवेदनों की छटाई में छूटे अधिकारियों के पसीने। देखते हैं क्या है न्यूज़ पूरी। रेलवे में लगभग 1 लाख भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में देरी हो सकती है। इसका कारण यह है कि 1 लाख रिक्त पदों के लिए रिकॉर्ड 2,37,00,000 आवेदन आए हैं, यानी एक पद के लिए 237 दावेदार हैं। सभी आवेदनों की छटाई में रेल प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। इसके बाद सभी राज्यों में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ परीक्षा केंद्रों की बुकिंग दूसरी चुनौती है। इसके बाद ही रेलवे अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र वितरण और परीक्षा कराने की स्थिति में होगी। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि फरवरी में अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि मई में प्रवेश पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन 1 लाख रिक्त पदों के लिए 2,37,00,000 आवेदन आने से रेलवे सकते में है। सभी आवेदनों की छटनी में रेल कर्मियों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके अलावा रेलवे बोर्ड ने विभिन्न पदों के लिए आयु शैक्षिक योग्यता व फीस में संशोधन की, जिस कारण भी अधिकारियों की मेहनत करनी पड़ रही है। अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र कब वितरण किए जाएंगे और परीक्षा कब तक आयोजित की जाएगी, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जबकि फरवरी मार्च में रेलवे द्वारा कर रहा है कि दिसंबर 2018 तक प्रवेश पत्र जारी करने, परीक्षा कराने, फिजिकल मेडिकल टेस्ट आदि पूरा कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए माना जा रहा है कि परीक्षा समय पर आयोजित नहीं हो सकेगी, यानी दोस्तों परीक्षा समय पर आयोजित नहीं हो सकेगी। क्या कारण है आपको मैंने बता दिया कि इसका कारण क्या है, आवेदनों की छटाई, यानी कि इतनी मात्रा में जो फॉर्म पड़े हैं इसके कारण परीक्षा में अगली बार हो सकती है देरी। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और जो नए दोस्त हैं जो अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, दिए गए नीचे रेड कलर के बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ये आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।